लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। गुड शो बॉयज, डैम गुड शो। गिव इट अप अशु, क्वाइट अ गुड टाइमिंग। 2 मिनट 45 सेकंड्स, फिर भी 15 सेकंड काट सकते हो। टेक ऑफ अ लिटिल फास्टर। एंड रॉनी, यू आर टू गुड, यू रन लाइक एन ओलंपिक चैंप। थैंक यू सर। 2 मिनट फ्लैट, यू आर अप, वेरी गुड, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। एंड सोमेश, यू गॉट कट दिस। ओके सर। लुक्स लाइक यू आर अ प्रेग्नेंट वुमन, वेरी स्लो। यू ऑल हैव टू बी इन द टॉप फॉर्म। लड़ाई के आसान नजर आ रहे हैं, मुझे हेडक्वार्टर ने भी बुलाया है। एंड रिमेंबर, द मोर यू स्वेट इन पीस, द लेस यू ब्लीड इन वॉर। जितना तुम फ्लाइंग प्रैक्टिस में पसीना बहाओगे, उतना तुम्हारा वॉर में खून कम बहेगा। रिमेंबर दिस। Andy, sir. Morning, Andy. Sit. Sir. Thank you, sir. Yes, sir. Andy, as you know, ladai ke badal kabhi bhi baras sakte hain. We are going to face a war anytime now. You move to Jaisalmer immediately and create a new air base. Wahan jaakar ek naya air base banao. Sir. And take command of a hunter squadron. You know the hunter. Hunter, sir? Yes, you're fully operational on hunters and MiGs. What's the problem? All the best, Andy. Thank you, sir. श्रीमान, दो जैसी हो, 32 ओवर फायरिंग के लिए हाजिर है। पंजाब रेजिमेंट के बहादुर जवानों, आज वो दिन आ गया है जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। ऑर्डर्स आ गए हैं, कंपनी एडवांस पोस्ट पर राजस्थान जाएगी। आज से तुम्हारी हर गोली पर देश के दुश्मन का नाम लिखा होगा। हाँ तो जवानों, जरा देखें कि गोली कैसे लगेगी। फायर! हेलो पापा। हेलो। प्रीति बोल रही हूँ। हाँ बेटा, कैसे हो पुत्र, सब ठीक ठाक है ना? कुछ भी ठीक नहीं है पापा। क्यों, क्यों है पुत्र? इनको बॉर्डर पर भेजा जा रहा है। लड़ाई लगने वाली है, मैं तो जीते जी मर जाऊंगी पापा। आप इनका ट्रांसफर रुकवा दीजिए, आप तो पॉलिटिकली इतने वेल कनेक्टेड हो। हाँ, ये काम करवाना ही होगा पापा। ठीक है पुत्र, घबराने की कोई बात नहीं है। आई विल सी टू इट दैट ही इज नॉट सेंट टू द बॉर्डर। मैं उसकी ट्रांसफर रुकवा दियांगा। चंगा। पापा, प्रीति है। फिकर की कोई बात नहीं है बेटे, मैंने कुलदीप की ट्रांसफर रुकवा दी है। अब वो लड़ाई पे नहीं जाएगा, मैं उन्हें दिल्ली हेडक्वार्टर भिजवा देंगा। हेलो, कुलदीप हियर। मैंने आपकी बात सुन ली है और समझ भी ली है, और अब आप मेरी बात भी समझ लीजिए। अगर आपने मेरी ट्रांसफर रुकवा दी तो जिस बेटी की खुशी के लिए आप यह हरकत कर रहे हैं, मैं उसे छोड़ दूंगा। बेटे कुलदीप, आई विल डाइवोर्स हर। Come on,
कुर्सियां लेकर आओ। तुमने पापा से क्या कहा? वही जो तुमने सुना। याद है तुमने दीपू की कसम खाई थी कि मुझे कभी नहीं छोड़ोगे? खाई थी। तोड़ दोगे? मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो? हो जाने दो। मत भूलो, मैंने फौज में कमीशन लेते वक्त भी एक कसम खाई थी। हिंदुस्तान की सरजमीन में जन्म लिया था तब भी एक कसम खाई थी। इस मिट्टी की कसम खाई थी जिसमें खेलकर मेरा बचपन जवान हुआ, और उस हिमालय की कसम भी खाई थी जो 5000 बरसों से मेरे वतन की सरहदों की हिफाजत कर रहा है। उन 50 करोड़ भाई बहनों की कसम खाई थी जो मेरी तरह इस मिट्टी की कोख से पैदा हुए हैं। तेरा कुलदीप अपने बच्चे को उन पर कभी भी कुर्बान कर सकता है। मजबूर हो गई थी, तुम्हारे बगैर जिंदगी मौत से बदतर होगी, यही सोचकर पापा को फोन किया था। लड़ाई में तुम्हें कुछ हो गया तो? चलिए, मैंने कुछ नहीं होगा। तेरा और दीपू का प्यार मुझे मरने नहीं देगा। मैं एक पीस में वापस आऊंगा, ये मेरा वादा है। Linko Bajwa. Major Kuldeep. How do you do? Checking a lift to Jodhpur? Sir. And then to one of the border outposts in Rajasthan sector. I see. You army chaps are really lucky. Wo kaise sir? Aapka border outpost to BSF walon ne ready rakha hoga. Aapko to chakkar sirf chaad lena hai. Musibat to hum logon ki hai. We have to make an air base in Rajasthan, Jaisalmer sector. ABC se shuru karna padega. Aur pata nahi hamare paas kitna waqt hai. Do you think we'll see action, sir? East Pakistan ke halaat dekhkar to aisa lagta hai ki wo log Western Front zarur kholenge. Morning, sir. We are ready for takeoff, gentlemen. Thank you, sir. Sir, aap keh rahe the ki Pakistan Western Front zarur kholega, to band karenge hum. Pehli goli wo chalayega aur aakhri goli hum. Well said, Major, well said. पर मुझे नहीं लगता है कि एयरफोर्स के होते हुए आप लोगों को गोली चलाने की नौबत आएगी। अब बेग योर पार्डन सर। मेजर साहब, आज की लड़ाई में हार जीत का फैसला मुल्क की एयरफोर्स की ताकत पर निर्भर है। सर, मगर हमला अवर के सामने सीना तान कर हमारी फौज खड़ी है। अग्रीड, मगर घुसते तो हम हैं, उनके सीने पर वार पहला हमारा होगा। एयरफोर्स विल स्ट्राइक डीप इन एनिमी टेरिटरी। सर, आर्मी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या एयरफोर्स? इस बहस का तो कोई अंत नहीं। हम दोनों को तो सिर्फ इतना समझना चाहिए कि चमन में इख्तलाते रंगो बू से बात बनती है। हम ही हम है तो क्या हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। वाह वाह मेजर साहब, हम ही हम है तो क्या हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। वाह, अच्छा कहा। मगर एयरफोर्स इज स्टिल लीडिंग। आर्मी एयरफोर्स आर्मी एयरफोर्स आर्मी एयरफोर्स आर्मी ऑलवेज मथुरा दास, इमरजेंसी है, तमाम छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। फिर भी हमने तुम्हारी लीव एप्लीकेशन ब्रिगेड हेडक्वार्टर में पहुंचा दी है। जो भी हुक्म आएगा आपको आगाह कर दिया जाएगा। ओके सर।
May I come in, sir? Oh, Kuldeep, come. Please take a seat. मथुरा दास जो अभी गए हैं आप ही की कंपनी के हैं, उन्हें इमरजेंसी में छुट्टी चाहिए। लड़ाई के बादल देखकर जो घर की तरफ भागे उसे इस फौज में रहने का कोई हक नहीं। कहता है उसकी औरत बीमार है, उसे कैंसर है। तो उसे हमेशा के लिए छुट्टी दे दीजिए सर, अपनी बीवी के घुटनों के पास बैठा रहेगा। गुड ओल्ड मेजर कुलदीप, अब आप जाकर लोंगेवाला की पोस्ट संभाल लीजिए, वहां पड़ी सीमा सुरक्षा बल की टुकड़ी को रिलीव कर दीजिए। कंपनी के 120 आदमी बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। सिर्फ 120 जवान लोंगेवाला की पोस्ट संभालेंगे? यस, और 600 आदमी सादेवाला की पोस्ट संभालेंगे। सादेवाला पोस्ट के लिए 600 जवान और हमारे लिए सिर्फ 120? वो इसलिए कि अगर दुश्मन ने नया महाज खोलने का फैसला किया तो वो सादेवाला के रास्ते घुसने की कोशिश करेंगे। 65 की लड़ाई में वो वहीं से घुसे थे। तो आपका ख्याल है कि वो दोबारा वही गलती करेंगे, या हमला करने से पहले हमसे पूछेंगे कि आपके इलाके में आने के लिए हम कौन सा रास्ता पकड़ें? दुश्मन तो हमारे कहने पर नहीं चलेगा, मगर आप तो चलिए, जाकर अपनी पोस्ट संभालिए। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि स्ट्रेटेजी और पॉलिसी के फैसले हेडक्वार्टर्स में होते हैं, हमारे ऑफिस में नहीं। चलिए अपने आदमियों से मिल लीजिए। कंपनी सावधान, कंपनी हिलना मत। जय हिंद सर। 4 जेसीओस, 96 अदर रैंक्स परेड में हाजिर हैं श्रीमान। He is second lieutenant Dharamveer, your second in command. सर आपने मुझे ये नहीं बताया कि 120 जवानों के बीच एक बच्चा भी है। आपने ठीक कहा सर, मैं एक बच्चा ही हूं। मेरा बाप भी एक बच्चा था जब फौज में आया था, पर इतना प्यारा बच्चा था कि 65 की लड़ाई में भगवान ने उसे उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया। आपके पिताजी का नाम? मेजर वीर भान। ओके कुलदीप, बेस्ट ऑफ लक। धर्मवीर, टेल द कंपनी टू माउंट। सर। सुबेदार साहब, कंपनी को माउंट करवाइए। कंपनी माउंट। मैं मेजर वीरभान जी को अच्छी तरह जानता था, दोस्त तो नहीं कह सकता क्योंकि वो मेरे सीनियर थे, मगर हमारा रिश्ता दोस्ती से कम नहीं था। तुम्हारी माता जी कैसी हैं? बस ठीक है, सिर्फ देख नहीं पाती। देख नहीं पाती? आंखों की रोशनी आंसुओं के साथ बह गई। I'm sorry, son.